बिस्मानी असलम वेलकम बैक टू क्राज़ मैजिक किचन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो हाँ जी आज आप सब बहुत ही टेस्टी नवाबी सवैया की रेसिपी शेयर करूँगी बहुत ही डिफरेंट बहुत ही यूनिक स्टाइल में इसको प्रिपेयर करेंगे और सर्व करेंगे ईद के लिए बहुत ही स्पेशल मीठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पर इसको और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलैकन को प्रेस कर लें ताकि हर रोज़ मज़ेदार रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके तो अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने एक लीटर दूध लिया चार से पाँच छोटी सब्जिलायचियों के बीज इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको जब ये अच्छा सा बॉयल आने लगेगा उस स्टेज पर हम इसके अंदर बर्फी ऐड करेंगे जी हाँ हम इसके अंदर खोया नहीं बल्कि बर्फी ऐड करेंगे जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगी हमारी मज़ेदार इसकी फिलिंग तो इसके अंदर मैंने दो ग्राम के करीब बर्फ़ी ऐड कर दी क्योंकि बर्फ़ी ऑलरेडी स्वीट होती है तो इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं करूँगी अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा शुगर ऐड कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से तो अब जब तक ये प्रॉपर्ली डिजॉल्व नहीं हो जाता और थोड़ा सा सिमर नहीं हो जाता तब तक हम इसको जो है अच्छी तरह से लो फ्लेम पर कुक होने देंगे एक अलहदा पैन में टू टेबल स्पून देसी घी के ऐड करेंगे जी हाँ आपने इस रेसिपी को देसी घी के अंदर ही प्रिपेयर करना तो बहुत ही मज़ेदार ये बनकर रेडी होंगी एटी ग्राम के करीब ये मेरे पास बिल्कुल बारीक वाली जो सवैयाँ होती हैं वो अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने तब तक हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना जब तक इसका कलर प्रॉपर्ली चेंज नहीं हो जाता इस टेप पर आपने बहुत ज़्यादा जो है फ्लेम उसको हाई नहीं रखना बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको हल्का सा भूनना उसके बाद इसका अंदर बादाम पिस्ते काजू मेवा और जो भी ड्राई फ्रूट आप इसके अंदर अपनी पसंद के ऐड करना चाहते हैं आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं दो मिनट के लिए इसको बहुत अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो सेवैयों का और ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर है जिसको हम गार्निश करेंगे वो हमारा रेडी हो चुका है अब हमारा जो ओ, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रबड़ी है वो भी बनकर रेडी हो चुकी है काफ़ी हद हाँ तक ये देखें सिमर हो चुका है इसका दूध यानी कि कम हो चुका है अब इसके अंदर वन टेबल मैंने कॉर्नफ्लावर का वन फोर्थ कप के अंदर अच्छी तरह से डिजोल्व कर लिया था और इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको थिक होने तक हम पका लेंगे तकरीबन दो से तीन मिनट के लिए तो ये देखें दो मिनट हो चुके हैं हमारा बहुत ही थिक सी हमारी जो रबड़ी है वो बनकर रेडी हो चुकी है अब इसको हम ठंडा करेंगे और उसके बाद हम अपने मीठे को असेंबल करेंगे बहुत ही क्विकली बहुत ही ईजिल आप इस मीठे को बनाकर रेडी कर सकते हो तो देखें मैंने बर्फ वाले पानी के अंदर इसको ऐड कर लिया ताकि ये जल्दी से हमारा झटपट ठंडा हो जाए हम इसकी असेंबलिंग कर सके तो वन टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पहले जो हमने सेवियों का मिक्सचर रेडी किया था वो ऐड करेंगे उसके बाद मैंने दो कलर की टूटी फ्रूटी ली है ग्रीन और और रेड कलर की उसको साइड्स पे ऐड करेंगे ताकि हमारा जो मीठा है उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही खूबसूरत सी है उसके बाद अपनी रबरी को ऐड करेंगे रबड़ी को आपने प्रॉपरली कूल डाउन करने के बाद इसके अंदर ऐड करना तो देखिए अच्छी तरह से चारों तरफ इसको स्प्रेड कर देना उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर एक लेयर करेंगे अपनी सवैयों की और ड्राई फ्रूट्स की बहुत ही क्रंची बहुत ही मीठा ये आ, हमारा मज़ेदार सी नवाबी सवैया बनकर रेडी होती हैं सीध पे आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी तो इसको ऊपर से भी थोड़ा सा हम टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे ताकि खूबसूरत है इसके अंदर हम एक कलर ऐड कर सकें साथ ही थोड़ी सी बर्फ़ी ऐड कर देंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी नवाबी सवैयाँ हमारी बनकर रेडी हैं तो उम्मीद करती हूँ आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो मिलेंगे दोबारा नई रेसिपी और नए जायकों के साथ तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़